गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट आया, बच्चे का 10वां नंबर आया। घर गया, उसने अपने पापा को बोला कि पापा मेरा रिजल्ट आ चुका है और मेरा 10वां नंबर आया है। पापा ने बोला ओके, कोई बात नहीं है, इस बार 10वां नंबर आया, ठीक है, अगली बार तुम फर्स्ट नंबर से पास आना, फर्स्ट नंबर लाना। बच्चे ने बोला ठीक है पापा। फिर पढ़ने लगा, तैयारी करने लगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा। फिर से एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, इस बार उसका 5वां नंबर आया। वो बिल्कुल टेंशन में आ गया कि अरे पापा ने तो मुझे फर्स्ट नंबर लाने को बोला था और मेरा तो 5वां नंबर आया है, अब क्या करूँ। कोई नहीं, बाद में वो पापा के पास गया। पापा देखिए मेरा रिजल्ट आ गया, बट आपने बोला था फर्स्ट नंबर लाना, लेकिन पापा मैं फर्स्ट नंबर नहीं ला पाया, मेरा 5वां नंबर आया, सॉरी पापा। पापा बोले वाह 5वां नंबर आया है, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चे ने बोला कि पापा आपने तो फर्स्ट नंबर लाने के लिए बोला था, मैंने तो 5वां नंबर लाया है, फिर भी आप मुझे वेरी गुड बोल रहे हो। पापा बोले बेटा पहले कितना नंबर आया था, बोले कि 10वां नंबर, और आज ये 5वां नंबर। बेटा आपने 10वें नंबर से आप 5वें नंबर पे आए हो, यानी आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। कंपटीशन और लोगों से नहीं, अपने आप से किया करो। पहले 10 नंबर पे थे, आगे चल के 5वें नंबर पे आए, और आगे मेहनत करोगे तो एक न एक दिन फर्स्ट नंबर पे आओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी और के साथ कंपीट नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप के साथ कंपटीशन करना चाहिए। हम आज कितना है, पिछले महीने कितना थे, आज कितना है और आगे कितना होंगे, ये हमें देखना है। कोई और कितनी प्रोग्रेस कर रहा है वो हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ अपना ही प्रोग्रेस देखना है कि आज हम यहाँ हैं, कल यहाँ पहुँचे और परसों ऊंचाइयों पर पहुँचे, यही हमारा गोल होना चाहिए। कंपटीशन अपने आप से करें। इसी अच्छे सोच के साथ keep smiling, bye bye।